तो गाइज अभी मैं रुका हूँ आपको कुछ दिखाने के लिए। बचपन तो यार बचपन होता है। तो गाइज एक प्रॉब्लम हो गई है, क्या करनी में नरेना में आप। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर चैनल जितेंद्र डूडी व्लॉग्स। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग मैं और मेरी चंकी शुरू कर रहे हैं। चंकी गुड मॉर्निंग बोलो सबको, क्योंकि अभी है ना सुबह के 8 ही बजे हैं रोजाना। तो भाई देखो कल मेरी गुड मॉर्निंग है ना लास्ट डे हुई थी समथिंग 10:30, और उससे एक दिन पहले हुई थी मेरी गुड मॉर्निंग 12:30, उससे एक दिन पहले हुई थी 7 बजे समथिंग, और उससे एक दिन पहले हुई थी 5 बजे। तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है। और हमारी चंकी है ना आप लोगों को बहुत ऐसे तीखी नज़रों से देख रही है। बिकॉज क्यों देख रही है चंकी, पता नहीं बताएगी इनको। अरे यार अपनी गाइज है, अपनी फैमिली है ये, तो ये गाड़ी देख के थोड़ी डर रही है उधर से, इसलिए चंकी अपनी फैमिली देखिए रही गाइज। चंकी ऐसे बोलो, गाइज आप हमारी फैमिली हो, बोलो इनको। तो गाइज अभी मेरी गुड मॉर्निंग चंकी के साथ है, मस्त आराम से डेली मिलता हूँ मैं इससे। और इसके किच्ची ना किसी करते ऐसे, ऐसा मत किया कर यार तू, नहीं करेगी ना। तो गाइज अभी चंकी है ना बैठी है देखो मस्त ऐसे मेरी तरह, मैं भी बाइक पे बैठा हूँ और चंकी मेरे ऊपर बैठी है। चंकी क्या हुआ, क्या देख रही तू ऐसे बताना मेरे को। चलो अब चंकी गाइज सुला देते हैं, ये अब खाना वाना इसका दूध दूध हो चुका है, अब ये सोएगी और बस इसके मजे। कल आया तब देखा ना आपने लास्ट वीडियो में, देखो ना कितनी मस्त सो रही थी, ऐसे सोती है डेली। चंकी अब छोड़ दो तेरे को। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे ना धो के, और फिर चलना पड़ेगा हमारे को आज भी नरेना, और आज तो फुलेरा भी काम है और काफ़ी कुछ एंजॉय करेंगे इस ब्लॉग में। तो बने रहो कंटिन्यूटी के साथ, तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइज फिलहाल अभी ना धो के रेडी हुआ हूँ, और आज का सेटअप ये वाला है। आज मेरे ग्रीन ही तो ये पहन रखा है मैंने, और ग्रीन ही मेरा आईफोन है। मेरे को ग्रीन कलर से भी अब धीरे धीरे प्यार होने लग गया है, जैसे मेरे को ब्लैक और रेड से प्यार था, तो अब धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा है इन कलर के प्रति भी। तो आज करेंगे थोड़ा सा काम अपना अपलोडिंग का, उसके बाद चलेंगे फुलेरा। और आज दोपहर बाद में मेरा विचार है मासी जी के पास जाने का, अगर वो होता है, अगर मौसम देखो ख़राब है थोड़ा, अगर मौसम ने अपनी मनमानी नहीं की तो पक्का श्योरिटी के साथ आज हम चलेंगे मासी जी के पास, और वहाँ पे भी इंजॉय करेंगे। वहाँ पे सिस्टर्स वगैरह है काफ़ी, तो उनके साथ भाई अलग ही माहौल रहता है ऐसे, मतलब पुरानी बातें ना काफ़ी याद हो जाती है ऐसे जाते ही। इतने इंजॉय किए हैं भाई, इतने इंजॉय किए हैं हद से ज़्यादा, पहले काफ़ी इंजॉय करते थे, अब तो यार वो लाइफ कहाँ है। अब तो बस सब अपने अपने फ्यूचर की टेंशन लेके सब बैठ गए हैं, कोई क्या सबको अपने फ्यूचर की टेंशन है कि अपना फ्यूचर कैसे ब्राइट हो। तो अभी तो वो वाले माहौल तो है नहीं कि जैसे बचपन गुजरा था, बचपन तो यार बचपन होता है, याद करते हैं ना तो पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन ये बातें ख़त्म नहीं होती। तो अभी तो मौसम ख़राब है थोड़ा सा, बादल देखो एक बार किस तरीके के हो रखे हैं, और भाई सूरज ना अभी 4-5 दिन से बिल्कुल ही गायब है, और थोड़ा बहुत कल दिखा था। बाकी अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं सीधा मार्केट, और मार्केट जाने का आजकल है ना सुबह सुबह काम हो गया नेट की वजह से, तो चलते हैं। तो गाइज अभी मैं रुका हूँ आपको कुछ दिखाने के लिए, और भाई आप थोड़ी आवाज़ सुन के पहचानो पहले, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं। आवाज़ सुनो एक बार, आवाज़ आ रही है वो ये वाला। गाइज मुझे ना ऐसी चीज़ें काफ़ी पसंद है, बहता हुआ पानी, पहाड़, पत्थर, नदियाँ, देखो क्या मस्त नज़ारे हैं भाई। अब बारिश शुरू हो गई, और भाई मैं तो इनका बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, और मेरा तो ऐसा है ना इनका ऐसे करता है, मतलब क्या बताऊँ मैं यार, मैं शब्दों में बोल ही नहीं सकता, बस मेरा दिल ऐसा करता है कि बस मैं इन्हें देखते ही जाऊँ। अभी भी इसको देख के मैं यहाँ पे, ये थोड़ा ये भी तो अभी बारिश एक बार ही हुई है, अगर ये 4-5 बार होगी ना तो ये काफ़ी तेज़ बहेगा, और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ये वाले माहौल, इतने अच्छे लगते हैं भाई, इनसे बहुत प्यार है मुझे। मैं तो सच बता रहा हूँ गाइस, थोड़े टाइम रुक जाओ, अभी तो क्या कुछ घर की वजह से और ऐसे बाहर नहीं जा सकता, लेकिन जब बाहर जाना शुरू कर दूंगा ना तब देखना काफ़ी हम ऐसी जगह घूमेंगे, और मेरे तो ऐसे घूमने का काफ़ी शौक रहता है मुझे। देखो अभी भी पता नहीं पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, ऐसा मुझे बहुत शौक है बाहर घूमने का, पहाड़ों में जाने का, ऐसे नदियों के पास जाके बहती नदी में नहाने का। अभी तो ये पानी थोड़ा गंदा है लेकिन ठीक है, ऐसा इतना गंदा भी नहीं है, ऐसे वाइट कलर हो रखा है क्योंकि पहली बरसात है ना इसलिए, और ये काफ़ी दूर से आ रहा है, मुझे पता नहीं कहाँ से आ रहा है, और ये इधर पता नहीं कहाँ जा रहा है, इधर आगे थोड़ा सा तालाब है उसमें जा रहा है, मुझे काफ़ी पसंद है ये चीज़ें गाइस। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हम मालागारी मित्र पे, और यहाँ से करना है एक वीडियो अपलोड, और उसके बाद थोड़ा सा मूवी वगैरह भी डाउनलोड, बिकॉज पता नहीं नेट का कब चले ना चले, हम तो मूवी देखने का फुल मज़ा ले रहे हैं, कभी मुझे शौक ही नहीं था लेकिन इतनी मूवी देख रहा हूँ हद से ज़्यादा, तो
तो आ चुका हूँ मैं और अब करते हैं वीडियो अपलोड और देखते हैं कितना टाइम लगता है, उसके बाद घर चलेंगे। आ तो जल्दी चलेंगे क्योंकि जो कंप्यूटर सेकंड वाला है उसका कुछ काम नहीं है आज, अब नेट ऑफ है तो मैंने सोचा कि छोड़ो उसको पेंडिंग ही रखते हैं, बाद में एक साथ कर लेंगे। तो अभी करते हैं वीडियो अपलोडिंग और फिर चलेंगे। तो गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं आईफोन की डाटा केबल है ना वो लाना भूल गया, तो मेरे को जाना पड़ेगा राकेश भैया की दुकान और वहाँ से लाना पड़ेगा, तो चलते हैं और लेके आते हैं। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हम राकेश भैया के पास डाटा केबल लेने के लिए और देखो भाई ऑफिस क्या बना रखा है। क्या करने में हो नरेना में आप ये तो बता दो। नरेना में कुछ नहीं करने, शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं सर। और भाई इधर चल रही है लाइब्रेरी आराम से, 150 सीटों की लाइब्रेरी है समथिंग और फुल है। और बाकी भाई देखो ये नरेना में है ना तहलका मचा रखा है इन्होंने भाई, आराम से देखो कंप्यूटर सेटअप भाई, यहाँ पे लाइब्रेरी की एंट्री भी कंप्यूटर में हो रही है, क्या ऑफिस बना रखा है भाई। चलो अब लेते हैं डाटा केबल और फिर चलेंगे। तो फाइनली अपना वीडियो अपलोडिंग कंप्लीट हो चुका है और ये डाटा केबल थी ना इसकी ज़रूरत थी, इसके चक्कर में ना मेरे को वहाँ जाना पड़ा और फिर ये लेके आना पड़ा। अब मेरा वीडियो अपलोड हो गया है, अब बस अपलोडिंग कंप्लीट हो गई है, अब शेड्यूल करना है और फिर चलेंगे। तो गाइज़ जस्ट हमारा काम अभी ख़त्म हुआ और जाने की तैयारी करने लगे और देखो बारिश शुरू हो गई और भाई उधर देखो ये बारिश शुरू हो गई। अब तो भाई बारिश खत्म होने के बाद ही चलेंगे हम। तो गाइस बाहर तो हो रही है बारिश और थोड़ी सी बारिश रुकी और हम लोग थोड़ा सा खाने पीने के लिए आ गए क्योंकि सुबह से बिना खाना खा रहे हुए हैं, नाश्ता किया था घर पे बस, तो अभी आए हैं खा रहे हैं अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको घेवर है ये खाते हैं और थोड़ा सा घर के लिए भी लेके चलेंगे तो खाते हैं और फिर चलते हैं। तो फाइनली गाइस थोड़ा सा खा के निकल रहे हैं और पहले हमने ना सब जगह ढूंढा स्वाद रेस्टोरेंट पे गए, वो भी ओप है कैफे है उसमें भी कुछ आज जो खाना था वो नहीं मिला, तो फिर फाइनली हमने सोचा चलो यहाँ पे आते हैं रबड़ी वाला घेवर खाने का, वो खा भी लिया और थोड़ा सा हमने पैक भी करवा लिया घर के लिए। तो अब चलते हैं और बारिश भी थोड़ी रुक चुकी है, अभी मौसम भी ऊपर से साफ हो गया। फाइनली अपना काम आज का भी कम्प्लीट हो गया और अब निकल रहे हैं वापस मैं और छोटू मालाकारी मित्र से। इतनी देर मालाकारी मित्र पे हम बैठे थे और अब बाइक लेके निकलना है। अब देखो बाइक कैसे गीली हो रखी है, पूरी गीली हो रखी है। हमारे गांव में जो ये नहर बह रही थी ना इसको इस तरीके से लिया जाता काम में। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो गाइज फाइनली नेट चल चुका है और मेरे से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, अब निकल रहा हूँ मैं डायरेक्टली नरेना के लिए, फटाफट से जाऊँगा और जो मेरा पीसी सेटअप है वो उठा के लाना है और फिर मेरा जो काम है वो करेंगे। भाई काफ़ी नुकसान ऑलरेडी हो चुका है मुझे पता है, अब बाकी जो भी है वो नहीं होने देना है, अभी का अभी जाएंगे, अभी का अभी पीसी उठा के लाएंगे और फिर चलाएंगे। तो चलते हैं फटाफट से भाई, आज नेट ऑन होने की खुशी में बादाम शेक तो पीते हैं और फिर लेके चले कंप्यूटर पकड़े छोड़ो। ये भैया की शॉप से है, पूरे सामान उठा दिए और देखो हमारा कीबोर्ड बच्चा तो इसमें आया ही नहीं तो इसको बाहर ऐसे ही रखना पड़ा है चेन खुली में, बाकी ये मॉनिटर पूरा सामान ले लिया, अब चलते हैं। तो गाइज फाइनली अब खुशी के साथ इस व्लॉग की एंडिंग करते हैं और खुशी के साथ इसलिए बिकॉज नेट चल गया और इस व्लॉग की एंडिंग इसलिए बिकॉज ये काफ़ी लंबा हो गया। और रही बात हमारी तो भाई खुशी भी है और थोड़ा दुख भी है, दुख तो इस बात का है कि इस वीक की पूरी क्लासें मिस हो चुकी है और खुशी इस बात की कि नेट के लिए इधर भाग दौड़ बंद हो गई। और रही बात अब आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है तो हर वीडियो देखना मत भूलना और सीरीज के एंडिंग वाले वीडियो में या उसके बाद एक वीडियो में आपको जो बड़ा वाला सरप्राइज है, हाँ मुझे पता है सबको वेट है, वो भी मिल जाएगा। और इस ब्लॉग में आपको मजा आया होगा, थोड़ा बहुत इंजॉय किया होगा, कुछ अच्छा लगा होगा, तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल लव यू।